दोस्तों, नया फोन लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो 4G फोन में पैसे लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है। भले ही आपका बजट कम हो, तब भी आप एक बढ़िया सा 5G फोन ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 10 से 12 हजार के बजट में 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन बताऊंगी और कई बार तो ये आपको 10,000 से कम के बजट में भी मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल योर टेक जोन में। तो तीसरे पोजीशन पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M13 5G। देखो यार, अगर आपको सैमसंग ब्रांड की तरफ जाना है और कोई बढ़िया सा 5G फोन चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी M13 की तरफ जा सकते हैं। बिल्ड इसकी प्लास्टिक की है। वैसे इस प्राइस सेगमेंट में मैं आपको जितने ही फोन बताने वाली हूँ वो सारे प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ में आएंगे। फिलहाल इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड बैटरी में 5000mAh की बैटरी 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ कैमरा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5 MP का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G चिपसेट इसमें लगा हुआ है और ये 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉयड 12 पर वर्क करता है। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, बट मैं गेमिंग के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए एक बढ़िया फ़ोन है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो इस समय आपको 11,499 रुपये में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। 11 से 12 हज़ार के बजट रेंज में ये भी एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन आपके लिए साबित हो सकता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। साथ ही 3.5 mm का हेडफोन जैक एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बैटरी में 5000mAh की बैटरी 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में मिलेगी। अब बात करें कैमरा की तो इसमें भी आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का एंड सेकेंड कैमरा AI लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा एंड आप इसके मेन कैमरे से 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो इसको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 810 का 5G चिपसेट देखने को मिलता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉयड 12 पर वर्क करता है। इस फोन से आप नॉर्मल टू हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं एंड नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको कोई ही परेशानी नहीं होगी। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो इसके 464 वाले वेरिएंट का रेट है 11,499 रुपये। लिंक इसका ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे सारे ही फोन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसके और भी डिटेल चेक कर सकते हैं या चाहे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं इनमें से कोई सही फोन तो मेरे दिए हुए लिंक से ही बाय करें। इससे आपके प्राइस रेंज में 1 रुपये की ही बढ़ोतरी नहीं होगी, बट मेरे चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट है पोको M4 Pro 5G। देखिए यार, अगर आपको 12 से 13 हजार के प्राइस रेंज में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप पोको के M4 Pro 5G की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है। फ्रंट में पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसमें भी बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। बैटरी में इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, बट इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पर वर्क करता है। इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 50 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड सेल्फी के लिए 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके मेन कैमरे से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही सुपर स्लो मोशन एंड नाइट मोड जैसे कुछ फोटोग्राफिक मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके 464 वाले वेरिएंट का रेट है 12,999 रुपये एंड इस प्राइस सेगमेंट में ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी इसकी और डिटेल एंड करेंट प्राइस चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड अगर आप कोई भी स्मार्टफोन में से परचेज करना हो तो मेरे दिए हुए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।